why I chose unacademy. So hello everyone, once again welcome back to my your YouTube channel, your library. So the most waited video ki why I chose unacademy aur hum kaise decide kare ki CA intermediate ke liye kaun si faculty, kaun si classes, kaun si institution best hai jisse aap classes le aur aap ek hi bari mein CA intermediate clear kar le, to uska answer hai कोई भी नहीं, क्योंकि आप कोई भी फैकल्टी से क्लासेस ले जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, तो आप ये इंटरमीडिएट क्लियर नहीं कर सकते. सो दैट्स फॉर जस्ट अ जोक गाइस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डूइंग एनी फालतू बकवास. तो चलो आज वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ 5 पैरामीटर्स बताऊंगी जिसपे आपको कोई भी क्लासेस, अगर कोई भी फैकल्टी आपको लगता है सी इंटरमीडिएट के लिए ये क्लासेस दे रही हैं, आपको वो बोल रही हैं कि आपका सी इंटरमीडिएट क्लियर करा देंगी, तो आपको उन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे उनको जज करना है कि अगर वो इन 5 पैरामीटर्स में एकदम परफेक्ट फिट होती है आपके अकॉर्डिंग, तो फिर आप उधर से ही क्लासेस लें. और ये सिर्फ सी इंटरमीडिएट के लिए नहीं, ये फाउंडेशन के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है. और मैंने अनअकैडमी चूज करी इन्हीं 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पैरामीटर दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी जब कोई भी टीचर या फिर कोई भी फैकल्टी आपको ऑफर कर रही है क्लासेस सी इंटरमीडिएट के लिए, तो सबसे पहले आप उनकी ट्रायल क्लासेस देखो और देखो वेदर वो जो टीचर आपको समझा रहा है, जो कंसेप्ट वो आपको बता रहा है, क्या आपको वो समझ आ रहे हैं. ये तो बेसिक सी बात है. बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि इंटरमीडिएट के लिए आपको उनसे कम से कम आई थिंक 4 to 5 months आपके उनको आपको उनकी क्लासेस लेनी है, और उनके साथ मोस्ट ऑफ द डे आपका जो 7 to 8 hours है आपका टाइम उन्हीं के साथ जाएगा. आपको क्लासेस लेने में आपका आधा दिन निकल जाएगा. तो देखो आपको क्या उनके कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, आपकी जो वाइब है, एक वाइब होती है ना स्टूडेंट और टीचर की, एक जो लेवल होता है मतलब कम्युनिकेशन, उनका थॉट्स आपके माइंड में, क्या वो वाइब वो लेवल मैच हो रहा है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वो मतलब उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, कि वो एकदम बोरिंग है सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं और बिना किसी एग्जांपल के आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं. क्योंकि देखो गाइस अगर आप किसी ऐसे टीचर से ले लोगे ना कोचिंग कि वो सिर्फ पढ़ा रहा है ये वो ब्ला 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 पढ़ा रहा है, और मतलब वो आपको एग्जांपल नहीं दे रहा प्रैक्टिकल लाइफ से, थोड़ा मतलब कह सकते हैं ना जॉयफुल वे में आपको आपको नॉलेज नहीं दे रहा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 4 to 5 months उनकी क्लासेस देखना. आप लिटरली बस बैठोगे और सोते रहोगे. तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहला कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा जॉयफुल होना चाहिए, जिसके आपको पढ़ के मजा आए, आपको लगे कि नहीं यार मुझे इनकी क्लासेस देखनी है, मैं इनकी क्लासेस नहीं छोड़ूंगा. द वे ही डिलीवर्स द कंसेप्ट्स और एग्जांपल और प्रैक्टिकल लाइफ से जैसे वो रिलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड पॉइंट है आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट. देखो आपका जो इंटरमीडिएट का जो जी, हम सबसे पहले सिर्फ जीवन के बारे में बात करते हैं, जो आपका जीवन का सिलेबस है जिसमें आपका टैक्सेशन है, आपका अकाउंटिंग है, आपका कॉस्टिंग है, आपका लॉ है, स्पेशली टैक्सेशन में काफी सारी अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, और आपका जो भी अटेम्प्ट है उससे आई थिंक 6 महीने पहले का जो अटेम्प्ट था उसमें और आपके अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ हमेशा हर बार नया फाइनेंशियल एक्ट आता है हर साल, और आपका असेसिंग ईयर प्रीवियस ईयर सब अलग होता है, तो कुछ ना कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट आती रहती है. तो आप ये देखिए कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको जो भी वो क्लासेस दे रहा है, क्या वो क्लासेस जो भी दे रहा है उनमें उसने सारी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को, लेटेस्ट एग्जांपल्स को, लेटेस्ट चेंजेस जो आपके सिलेबस में है उनको कवर किया है या फिर नहीं किया. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी फाउंडेशन का कोचिंग ली थी उस टाइम मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस ली थी, और लिटरली मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी. वो भी मैं आपसे किसी दिन जरूर शेयर करूंगी कि क्यों मैंने जिनसे फाउंडेशन की क्लासेस ली थी, मैंने क्यों उनसे सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस क्यों नहीं ली. थर्ड पॉइंट बेसिकली उन बच्चों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है जो दोनों ग्रुप के लिए जा रहे हैं, रिवीजन बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं उसमें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिंगल ग्रुप भी है तो भी इंपॉर्टेंट है रिवीजन, कि जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वो आपको क्लासेस तो दे रहे हैं पर क्या आपको वो रिवीजन भी करा रहे हैं. क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सब पढ़ चुके होगे पर आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैंने पहले दिन क्या किया था, क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता लिटरली अगर आप बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो. और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे आगे हैं एक अटेम्प, और उन सबसे मैंने बात करने के बाद मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूँ. ऐसा नहीं है कि अकेले आगे कुछ भी बोला मैंने शुरू कर दिया है,
तो जो भी टीचर्स से आप क्लासेस ले रहे हो या लेने वाले हो या लेने चाहते हो, आपने सुना है बहुत फेमस है, ये जरूर देखना कि वो आपको रिवीजन भी कराएं एग्जाम्स से 15 डेज पहले या 20 डेज पहले, वो कुछ ऐसा कराएं जिसमें आपको वो क्विक रिवीजन करा दे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी ऐसी सिचुएशन है मैं पास भी नहीं होने वाला, तो वो आपको रिवीजन करा दे एटलीस्ट, कि आपको उससे कुछ हेल्प मिल जाए। सिर्फ क्लासेस नहीं, एंड में आपके लिए रिवीजन क्लासेस भी होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपको सब क्विकली रिवाइज हो जाए, कुछ ऐसे नोट्स दे दे, कुछ ऐसे चार्ट्स दे दे, ये बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा वही फाउंडेशन का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था। ये सेकेंड लास्ट है बट एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। आप जिस भी टीचर से क्लासेस लेना चाहते हो, प्लीज उसकी एक बार बैकग्राउंड में उसका जो पूरा मतलब हिस्ट्री है वो पूरा चेक करके उससे क्लासेस लेना, कि क्या वो आपको टाइमली सिलेबस कंप्लीट करा देता है या नहीं कराता। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर वो आपको टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रहे हैं ना, तो एंड में जाके आपके जो बैंड बजेगी ना, आपको अपनी नानी दादी सब याद आ जाएगी अगर आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा। ये मैं बता सकती हूँ अपने खुद के थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से। इसलिए जो बच्चे होते हैं वो लाइव क्लासेस की जगह वो रिकॉर्डेड क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उनको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट ऑब्वियसली लाइव के अपने आई थिंक बेनिफिट्स होते हैं और आपके रिकॉर्डेड के अपने बेनिफिट्स होते हैं, बट वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में जाना है। बस ये देख लेना ये जो पॉइंट्स है वो कवर हो रहे हैं, और आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा ना, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब सुनामी आने वाली है आगे, समझ लो। क्योंकि फिर आपकी बैंड बजेगी अच्छे से। सो देख लेना कोई भी टीचर जिनसे आप क्लासेस लेने वाले हो, टाइम टू टाइम आपको सिलेबस कंप्लीट करा। लास्ट पॉइंट, आई थिंक लास्ट पॉइंट कुछ बच्चों के लिए शायद उतना इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो, बट आई थिंक ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। मैंने जब अपनी क्लासेस ली थी, मैंने इस पॉइंट को जरूर कंसिडर किया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखो मैंने 7 जगह पूछा था। अब मेरा मेन रीजन मैं आपको बताती हूँ अनअकैडमी का। जब मैंने पूरा मतलब मार्केट में पता करा कि कौन सा बेस्ट टीचर है, तो अकाउंट के लिए राहुल जिंदल सर और प्रवीण सर, और लॉ के तो अपने पत्नी क्लासेस और अमित पोपली, कॉस्टिंग के लिए मेरे को नहीं पता, पर टेक्सेशन के लिए एम के गुप्ता। ये काफी सारे जो फेमस मतलब टीचर्स का नाम मेरे को सुनने में मिला था कि ये काफी फेमस है, बट इनका जो टोटल मैंने जब किया, तो जब अगर मैं सिर्फ जीवन की क्लासेस इनसे लेती जिसमें मेरे को एक या दो भी मिल रहा था, और वो भी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव क्लासेस थी, तो मेरे को टोटल आई थिंक 35 से 40,000 का वो पड़ रहा था सिर्फ जीवन की क्लासेस के लिए। पर वहीं जब मैंने अनअकैडमी को कंपेयर किया, तो अनअकैडमी में मेरे को मैंने टोटल पे किया है बोथ ग्रुप के लिए 18,000, जिसमें मेरे को डिस्काउंट वगैरह मिलकर 17,000 का वो पड़ा है। और मंथली मैंने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट करा रखी है, जिसमें वो मेरे को 1,400 something rupees की वो पड़ती है। तो मैंने ये सब चीजें कंपेयर करके ही मैंने अनअकैडमी को प्रेफर किया, और इससे पहले वाले जो पॉइंट्स थे वो भी मैंने उनको जब कंसीडर किया, तो मुझे अनअकैडमी इनसे बेटर लगी मनी टर्म्स में भी और वैसे भी। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो फाइनेंशियल थोड़ा अपने घर वालों को मैं अपनी तरफ से भी हेल्प कर सकूँ, सारा उन पे बिल्कुल ही बर्डन ना आए, तो इस वजह से मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया था। इसलिए मैंने आपको कहा है कि अगर आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो एक बार फी को भी जरूर कंसीडर करें। कुछ बच्चों के लिए वैसे ये मैटर नहीं करता होगा, बट आई एम श्योर कुछ बच्चों के लिए मैटर करता होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ व्हाई आई चोज एन अकेडमी। ये सब मैंने कुछ पैरामीटर्स तो आपके साथ डिस्कस कर लिए, तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने एग्जैक्टली अनअकैडमी को क्यों चॉइस किया। सबसे पहले मैंने जो आपको पॉइंट बताया था अंडरस्टैंडेबिलिटी, मैंने अपने सारे टीचर्स के जो भी मेरे अभी टीचर्स हैं अनअकैडमी में, उनके मैंने क्लासेस देख ली थी, मुझे लगा था उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मेरे लेवल से मैच हो रहा है। सबसे पहले सेकंड मैंने आपको क्या कहा था, सेकंड मैंने आपको बोला था लेटेस्ट अमेंडमेंट। ऑब्वियसली अनअकैडमी में हर टाइम के लिए नया बैच आता है और अपडेटेड नोट्स मिलते हैं हमें। थर्ड मैंने आपको क्या कहा था, रिवीजन। रिवीजन ऑब्वियसली अनअकैडमी पे अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो इतनी सारी लाइव मैराथॉन्स वगैरह होती है, फास्ट ट्रैक बैचेस आते रहते हैं, रिवीजन बैच आता है, प्रैक्टिस बैच आता है, तो उसके लिए भी मैंने इसको थम्स अप दिया। फिर फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। वो भी मैंने देखो अनअकैडमी का सबसे बेस्ट जो फीचर मुझे लगा, कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक टीचर नहीं, आपको वैरायटी ऑफ टीचर्स की चॉइस मिलती है। जैसे कि अगर आप, मैंने इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन लिया है 1 साल के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे लिए सिर्फ एक टीचर अवेलेबल है। वहां पे कम से कम आई थिंक एक सब्जेक्ट के लिए 4 to 5 टीचर्स हैं। आप अगर आपको लगता है कि ये टीचर की क्लासेस मेरे को पहले समझ आ रही थी पर आप नहीं आ रही है, तो आप दूसरे टीचर पे स्विच कर सकते हो, तो वहां पे ये भी ऑप्शन है। और
इसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी हमें मिलती है, हमें लाइव का भी ऑप्शन मिलता है और रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन मिलता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लाइव ले लो तो रिकॉर्डेड नहीं देख सकते, नहीं, आपके पास दोनों ऑप्शन हमेशा जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। और आपके पास जो टीचर्स की ऑप्शन होती है और आपका टाइम टू टाइम रिविजन होता है, टाइमली कम्प्लीशन ऑफ सिलेबस वो अपने अकॉर्डिंग आप टीचर को देख के सेलेक्ट कर सकते हो। और फी में ऑब्वियसली मतलब मार्केट के कंपेयर आई थिंक अनअकैडमी के जो प्राइजेस हैं, फी स्ट्रक्चर है, वो काफी ज्यादा आई थिंक अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है। सो दिस वॉज द रीजन वाई आई चूज अनअकैडमी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अनअकैडमी सस्ता है तो वो अच्छी क्लासेस नहीं देता, ऐसा नहीं है। वहाँ पे काफी सारे टीचर्स हैं और काफी क्वालिफाइड लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो हमें एक्चुअली आके पढ़ा रहे हैं, जिन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आप जाके यूट्यूब पे भी जो भी चैनल है वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी छोटी सी बात भी अगर आपको लगता है कि ये ठीक होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। आपका एक एक लाइक ना मुझे मोटिवेट करता है अगले टाइम वीडियो बनाने के लिए। लिटरली मेरा पूरा दिन ऐसा होता है कि मेरी 7 to 8 hours की क्लासेस होती है, उसके बाद मेरे को सेल्फ स्टडी करनी होती है और आपने देखा भी है मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। पर फिर भी मतलब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे यूट्यूब को कंटिन्यू करना है, तो इसलिए प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी तो आपकी चॉइस है, आपका फोन है, आपका नेट है, मैं कुछ नहीं कह सकती। सो थैंक यू।